अजमेर जिला कलेक्टर के बाहर बिना परमिशन धरना देने पर एनएसयू के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की। एनएसयू के कार्यकर्ता छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें धारा 144 का उल्लंघन का हवाला दिया, लेकिन उनके बावजूद भी वह नहीं माने और पुलिस ने सभी छात्रों को बलपूर्वक हिरासत में लेकर जीप में बैठाया। इस कार्रवाई से छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। छात्र संगठन एनएसयूआई पर 7 दिन में यह दूसरी कार्रवाई है। पहले भी उन्हें पुलिस ने प्रदर्शन नहीं करने दिया। आज एनएसयू अजमेर द्वारा प्रमुख 3 मांगों को लेके, एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट की मांग को लेके, थर्ड ईयर को 10% अतिरिक्त अंक देकर प्रमोट की मांग को लेके, एक 3 महीने का जो ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट आते हैं उनके किराए माफी को लेके आज हमने कलेक्टर पे हम धरना दे रहे थे। 4 स्टूडेंट हम बैठ के धरना दे रहे थे। सीई साहब ने हमें कहा था आप 4 स्टूडेंट बैठ के आप धरना दे सकते हो, लेकिन हमने सीई साहब की आज्ञा का पालन किया और 4 लोग हम बैठ के धरना दे रहे थे, लेकिन सीई साहब ने हमें उठा के हम क्या अपराधी है, अपराधी की तरह हमें आज सिविल लाइन थाने लेके आ गए हैं, जो बिल्कुल गलत है, एक तरह से निंदनीय है, जिसकी हम निंदा भी करते हैं। हमारी प्रमुख मांग है, इसको लेके हमने 5 दिन पहले MDS यूनिवर्सिटी में कुलपति को भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारी मांगे मानी नहीं गई। इसको लेके आज हमने ज्ञापन दिया था, ज्ञापन धरने देने के लिए हम कार्मिक धरने के लिए हम बैठे थे। परमिशन हम कल परमिशन के लिए गए थे, लेकिन परमिशन के लिए हमें मना कर दिया था, तो हम शांतिपूर्वक 4 जने लोग बैठे थे। धारा 144 के अंदर 5 लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन हम 4 लोग ही बैठे थे आज। नवीन सोनी क्या भैया, हम 4 लोग थे, एक अब्दुल फरहान खान, अनिस मारुटिया, दिनेश चौधरी, एक मेरे को, और हमारे 3 साथी को बाद के अंदर वो हमसे मिलने के लिए आए थे, उनको भी अपराधी की तरह अंदर बिठा दिया SI साहब ने, सीई साहब ने, जिसका नाम एक जाबेर खान है, एक का नाम तुषार गुजर है। इसमें हम आगे हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को हमने इसके लिए सूचना भेजी है, आगे हम इसके लिए SP साहब से भी मिलेंगे, हमें इसका लिखित के रूप में हम CM साहब को भेजेंगे। नवीन सोनी, अजमेर NSU जिला अध्यक्ष। NSU के कार्यकर्ता जो कि शांतिपूर्वक कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे, जो छात्रों की मांग है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो फाइनल ईयर स्टूडेंटों को 10% अतिरिक्त अंक देकर पास करने की, वो हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हमारे NSU के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष नवीन सोनी, पूर्व शासक अध्यक्षगण, हम सब ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था, जबकि सिविल लाइन थाना पुलिस हमें यहाँ उठा के लेके आ गई है और हमें धरना नहीं करने दिया। हमने परमिशन लेने गए थे ADM City साहब को, पर हमारे को परमिशन नहीं दी गई। उस चक्कर में हमने छात्रों की मांगों को लेकर, छात्र परेशान है, छात्रों का रोज का फ़ोन आता है, बोलो भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लेकर हमने बिल्कुल परेशान होकर हम वहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, और 5 मिनट में ही हमने पुलिस उठा के यहाँ ले आई। सुलेंद्र शिव प्रकाश गुजर, पूर्व शासक अध्यक्ष राजकीय नगर। इसमें जिलाध्यक्ष नवीन सोनी है, पूर्व अध्यक्ष अनिश मारोटिया, दिनेश चौधरी और अब्दुल फरहान वगैरह 4-5 जो हमारे छात्र थे, उनको यहाँ उठा के ले। आज अजमेर NSU द्वारा जो लगातार हमारी मांगे चल रही है छात्रों को प्रमोट को लेकर और छात्रों का किराए रूम किराए को माफ़ी को लेकर, उसको आज हमने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर शांतिपूर्वक 144 धारा के मद्देनज़र रखते हुए 4 लोग हम धरना देने गए थे, जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया, छात्रों के साथ बदसुरलुकी की गई, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम CM साहब से निवेदन करते हैं कि छात्रों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए छात्र हित में फैसला लेकर छात्रों को प्रमोट किया जाए। हम जब तक हमारी मांग जारी रखेंगे जब तक छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाता। आज हमारे 5 से 6 लोग हम NSU कार्यकर्ता वहाँ गए थे, पदाधिकारी, हमें वहाँ धरना परिसर से उठा के सिविल लाइन थाने में लाया गया, हिरासत में लिया गया। अब्दुल फरहान खान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय।